हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ये इतिहास विषय की दूसरी कक्षा है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चनों की एक और श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास विषय से जो आपको CUET में काफ़ी मदद करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निम्बकाचार्य ने। किसने? निम्बकाचार्य ने। ये निम्बकाचार्य ने किया था। इस सनकादि संप्रदाय का आप लोग नाम सुने होंगे, पता नहीं, कुछ लोग नहीं सुने होंगे। इसको हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंस संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं हंस संप्रदाय लिखा रहता है, कहीं कहीं देवर्ष संप्रदाय भी लिखा रहता है, ठीक है। इसके उपास्य देव जो होते हैं, उपास्य देव, ये कौन है? राधा और कृष्ण, ठीक है। राधा और कृष्ण इसके उपास्य देव हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, जब इन्होंने 1893 में वहाँ गए थे तब, ठीक। उसके बाद वहाँ से आने के बाद इन्होंने चंपारण में शुरू किया था, ठीक है, सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के, ठीक। और रैदास कहाँ के थे? वाराणसी के। कहाँ? वाराणसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा अन्याय के विरुद्ध अपनाया गया सबसे प्रभावशाली उपाय क्या था? तो सबसे प्रभावशाली उपाय आप लोगों को पता है, वो हमेशा उपवास रखकर विरोध जताते थे। तो उनका सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? उपवास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष और किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था? तो पुनर्गठन यहाँ पर लिखा है, देख रहे हैं, पुनर्गठन। तो पुनर्गठन उन्होंने कहाँ किया था? 1943 में सिंगापुर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे, J.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? 12 जून लिख दे रहे हैं, 12 जून 1905, ठीक है, 1905, 12 जून 1905 को पुणे में किए थे। कौन किया था? G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सुधार 9वीं शताब्दी से सबसे पहले आरंभ किया गया था? तो सबसे पहले कौन सा आरंभ किया गया था? ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज कब आरंभ किया गया था? 1828 में, ठीक। कहाँ? कोलकाता। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। और रामकृष्ण का आप लोग जानते ही होंगे, 1897, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से नेता उदारवादी थे? तो उदारवादी नेताओं में कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और कौन थे? दादा भाई नरोजी, ठीक है। और इसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जो हैं, ये गरम दल के नेता थे, ये तीनों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल भाई की संधि, ठीक है, साल भाई की संधि कब हुई थी? इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? साल भाई की संधि सही हुई थी 1782 ईस्वी में, और कब हुई थी? 17 मई। ऐसे भी याद कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी ये जो एग्जैक्ट दे देता है उसमें दिक्कत होती है। तो 17 मई 1782 ईस्वी को साल भाई की संधि हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर, ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। और साल भाई की संधि के समय कौन कौन थे, जो संधि किन किन के बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच, ठीक है, मराठों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये साल भाई की जो संधि हुई थी ये किसके कारण हुई थी? जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1700, कब हुआ था? एक मिनट, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1775 में। जब यही ख़त्म हुआ साल भाई की संधि होने के बाद, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा शुरू कब हुआ था? 1775 में, और ख़त्म कब हुआ था? 1782 में, जब यही साल भाई की संधि इन दोनों में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडुचेरी की स्थापना कब किया था? तो पांडुचेरी की स्थापना कब किया था? 1674 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद ये पांडुचेरी जो है फ्रांसीसियों की राजधानी हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसियों की राजधानी क्या थी? पांडुचेरी ही थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो आप लोग जानते हैं गांधी जी का जो अहमदाबाद सत्याग्रह था ये कब शुरू हुआ था? 1918 में। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश मिल मालिक और सरकारी कर्मचारियों के बीच, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णु गुप्त, और क्या था? कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो सूक्तों की संख्या आप लोग जानते ही होंगे, 10, 28, 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में जो पाठ करता होता है, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला है, पाठ करने वाला है, उसको क्या कहते हैं? होत्री, क्या कहते हैं? होत्री, ठीक है। और सूक्तों की संख्या कितनी है? 10, 28, 1028। और मंडल कितने हैं? मंडल हैं इसमें 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कभी कभी मंडलों से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शायद मैंने इसको पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी 1906। और कब हुआ था? 30 दिसंबर को। कब हुआ था? 30 दिसंबर को। कहाँ हुआ था? ढाका में, ढाका में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? मतलब किस शासक ने किया था नवरोज का प्रवर्तन? तो फारसी त्यौहार नवरोज का जो प्रवर्तन हुआ था वो बलबन ने किया था। और नवरोज का मतलब आप लोग बता दें, नवरोज का मतलब होता है, इसका मतलब है फारसी का नया साल। ये कहाँ मनाया जाता है? ईरानियों द्वारा मनाया जाता है मुख्यतः। तो नवरोज जो है वो फारसियों का नया साल है, तो इसका प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने। और बलबन का समय काल आप लोग जानते होंगे,
1266 से 1286 तक। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी का लेखक निम्न में से कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल की एक और कृति है, कौन सी है? इसने एक रचना और की थी, इसका नाम था अकबरनामा। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, अकबरनामा, अबुल फजल की एक और रचना थी अकबरनामा। अमीर खुसरो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में बता दे रहा हूँ। आमिर खुसरो जो हैं, इनकी भी एक दो रचनाएं आप लोग जानते रहिए, जैसे हो गया मजनू लैला, ये तो आप लोगों को याद ही हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है? आईने सिकंदरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। इसका शासनकाल कब से था? तो पहला वायसराय मतलब जब भारत में वायसराय का पद का सृजन हुआ, तो उस समय कब हुआ था? 1856 में। तो 1856 के समय में पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। इसका समय काल है 1856 से 62 तक, 1862। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, 92 हो गया, 93 देखते हैं, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किससे संबद्ध था? तो ये किससे संबद्ध है? जैन तीर्थंकरों से। दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, इसको माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर भी कहते हैं। तो ये दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है, इसको आप जो देखिएगा, इसकी अलंकरण बहुत ही सुंदर की गई है। जब कभी आप नेट पर सर्च करके देखिएगा, तो दिलवाड़ा मंदिर की जो अलंकरण है, वो अलंकरण बहुत ही सुंदर है। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसको आप लोग जानते होंगे, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले था, और तुगलक वंश की स्थापना इसी ने किया था। तुगलक वंश हो गया, अगला देखते हैं, 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो आप लोग ऊधम सिंह की एक मूवी आई थी, देखे होंगे, तो उसमें ऊधम सिंह लंदन में जाके जनरल डायर को गोली मार के आते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊधम सिंह ने मारा था। और कब मारा था? 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, इसी के लिए ये गए थे वहाँ, उसको गोली मारे थे। अगला क्वेश्चन, ऊधम सिंह की मूवी आई थी, आप लोग देखिएगा जरूर, अच्छी मूवी है। निम्नलिखित में से मुगल शासकों की दरबारी भाषा, तो दरबारी भाषा कौन सी थी? दरबारी भाषा इनकी फारसी थी। ठीक है, मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। अगला क्वेश्चन, 98, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी, वो मिट्टी या सेलखड़ी से, सेलखड़ी की मुद्राएं वहां पे मिली हैं। ठीक है, और सेलखड़ी की मुहर भी मिली है, वहां की मुहर जो है वो भी सेलखड़ी की ही बनी है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो ऋग्वेद से। अभी मैंने ऋग्वेद बताया था आप लोगों को, इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और मंडलों की संख्या मैंने बताया था, मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल हैं। ठीक है, उसी 10 मंडल में से तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल में से गायत्री मंत्र को लिया गया है।
किस मंडल से? थर्ड मंडल से, तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। और ये कौन सा मंत्र है? दसवां मंत्र है, तीसरे मंडल के सातवें सूक्त का दसवां मंत्र है। ठीक है, तो आज ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप इसको याद करिएगा, कौन से मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से, इसको याद रखिएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र से ऐसा पूछा जा सकता है कौन से मंडल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 101, ये जो निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनाया था, कि फिरोज तुगलक ने कौन सा नगर बनवाया था? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिरोजाबाद, आगरा, फरीदाबाद, तुगलकाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा वंश था? तुगलक वंश था, तीसरा शासक था तुगलक वंश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही कौन चलवाया था? दीन ए इलाही चलवाया था अकबर ने। ये तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा पहला हिंदू व्यक्ति था जिसने दीन ए इलाही अपनाया था? तो इसका भी आंसर बीरबल होगा, और सबसे पहले अपनाने वाला हिंदू धर्म में तो बीरबल ही था। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए जो आप लोगों ने देखा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।